आज के मैच में हार्दिक को कप्तानी में सैंटनर ने पूरी तरह मात दे दी। जी हाँ, अगर दोनों की तुलना की जाए तो मुझे लगता है सैंटनर ने बहुत बढ़िया कप्तानी। इस पिच पर पहले गेंदबाजी करना भारत को भारी पड़ा। जी हाँ, मैं भी भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा ड्यू आएगा और बैटिंग इजी हो जाएगी, जो नहीं हुआ। और बॉल में भी मेरे ख्याल से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि शायद इतना स्पिन करेगा बॉल। सूर्य कुमार यादव के फॉर्म को देखते हुए भारत को 2024 T20 विश्व कप का प्रबल दावेदार कहा जा सकता है। जी हाँ, भारत हमेशा ही प्रबल दावेदार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह से सूर्या खेल रहे हैं और दूसरे भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, इंडिया हमेशा ही प्रबल दावेदार रहता है। पृथ्वी शॉ को दल में रखकर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाना गलत फैसला साबित हुआ। जी नहीं, मेरे ख्याल से जो टॉप थ्री थे, मेरे ख्याल से वो उन्हीं को खेलना था। मैं भी नेक्स्ट मैच में शायद आप एक आधा सीमर कम करके मिडिल ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं, बट गिल और ईशान किशन खेल रहे हैं और राहुल त्रिपाठी खेल रहे हैं, तो पृथ्वी शॉ कहां पर बैटिंग करेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क हो। अर्शदीप सिंह के 20वें ओवर में 27 रन बनाकर न्यूजीलैंड ने पासा अपने पक्ष में पलट दिया था। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर 160 के आसपास अगर टारगेट होता तो भारत जब ड्रेसिंग रूम में जाता तो थोड़ा हैप्पी होता, लेकिन 177 मुझे लगता है कि थोड़ा अबव पार स्कोर हो गया। कुशल स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ ईशान किशन की कमजोर यूनिट T20 टीम का स्थायी हिस्सा बनने से रोक रही है। जी हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा उनको और बेहतर स्पिन खेलना होगा और ये दर्शाना होगा, ये बाकी के मैचेस में भी और उसके बाद में जो IPL आने वाला है वहां पर भी। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए सुंदर का हारने वाली टीम का हिस्सा होना अफसोस की बात थी। जी हाँ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया की और बैटिंग भी। 21 रन से भारत हारा, इजीली 40-50 रन से हार जाता अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलते। शिवम मावी नई गेंद के साथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव बना सकते थे। जी हाँ, मैं भी मुझे लगता है हार्दिक पांड्या, शिवम मावी थोड़ा सा बेटर ऑप्शन होता।